कई मिस्टीरियस घटनाएं, जैसे माइक टायसन की एक फाइट में एक फैन का फोन से वीडियो शूट करना, पर उस टाइम पर फोन तो हुआ ही नहीं करते थे, और चार्ली चैपलिन की एक फिल्म में एक औरत का एक फोन यूज करना एंड उस टाइम पर भी फोन हुआ नहीं करते थे। ऐसी कुछ थ्योरीज इशारा करती हैं टाइम ट्रेवल की तरफ, एंड ऐसा ही कुछ है WWE के अंदर। कई बार हमने कॉच किया है WWE के अंदर टाइम ट्रेवलर्स को। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। 1989 में रॉकर्स वर्सेस ब्रेन बस्टर के एक मैच में एक कैमरामैन था, जो कैमरामैन बिल्कुल ही डैनियल ब्रायन लग रहा था, और उसके कपड़ों से ऐसा ही लग रहा था वो डैनियल ब्रायन हो। पर ऐसा डैनियल ब्रायन तो व्हाइट हाउस फैमिली का मेंबर हुआ करता था, जो कि WWE में बहुत सालों के बाद आया था। तो इतने साल पहले डैनियल ब्रायन आखिर कहां वहां पर पहुंच गया। उसके बाद मिक फॉली 1999 में द रॉक वर्सेस मैनकाइंड का एक प्रोमो कट हो रहा था, जहाँ पर एक फैन ने एक बोर्ड यूज किया था जिसमें लिखा था एन्जो अमोरे एक जैबरोनी है। एन्जो अमोरे तो WWE में उसके कई सालों के बाद डेब्यूट किया था। ऐसी कुछ चीज हुई रे मिस्टीरियो के एक मैच के अंदर, जहाँ पर एक फैन ने एक बोर्ड को यूज किया जिसमें लिखा था Triple H CM Punk से डरते हैं, और CM Punk उसके कई सालों के बाद WWE में अपना डेब्यूट किए थे, एंड Triple H का और CM Punk का फ्यूड उसके बहुत सालों के बाद हुआ था। तो कैसे ये फैन जानता था कि Triple H और CM Punk एक्चुअल में फाइट करेंगे। मिक फॉली वर्सेस द रॉक का एक सेगमेंट 1998 के बाद 2000 में भी हुआ, जहाँ पर एक फैन ने रैंडी ओर्टन का बोर्ड यूज किया था और उसके अंदर रैंडी ओर्टन लिखा हुआ था, बट रैंडी ओर्टन ने 2 साल के बाद WWE में अपना डेब्यूट किया था। तो कैसे ये फैन जानता था कि रैंडी ओर्टन अब WWE के अंदर आएंगे। मैट हार्डी के एक मैच के अंदर एक फैन ने एक बोर्ड यूज किया था जिसमें लिखा था V1 has deleted, बट उस चीज के 13 साल के बाद मैट हार्डी ब्रोकन मैट हार्डी बने थे। तो कैसे ये फैन जानता था कि मैट हार्डी ब्रोक होने वाले हैं। ऐसे ही कुछ है कॉन्सेप्ट टाइम ट्रेवल्स के। तो अगर तुम लोगों को जानना है इन सब कॉन्सेप्ट को, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा देना, एंड इस वीडियो के पार्ट 2 के लिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और कैसा लगा तुम्हें ये टाइम ट्रेवल जानकर। एंड लास्ट में मैं तुम्हें दे जाता हूँ ये स्नीक पीक, तो इसको फटाफट से देखो।